विद्यालय व्यवस्था के में प्रेरणा तथा सकारात्मक चिंतन के महत्व के दृष्टिकोण राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अभिप्रेरणा और सकारात्मक चिंतन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्री संदीप कुमार माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री विजय किरण आनंद महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश रहे। कार्यशाला में संदर्भदाता भारतीय रेल यातायात सेवा के वरिष्ठ अधिकारी श्री गौरव कृष्ण बंसल रहे, जो संप्रति भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी वडोदरा में वरिष्ठ प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की तरफ से एक अभिप्रेरणा एवं सकारात्मक चिंतन कार्यशाला का आयोजन आज किया गया, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे कार्यक्रम के बारे में? सर्वप्रथम मेरा नाम सुधा गोस्वामी है, मैं रायपुर से ही हूँ और एक बहुत ही सराहनीय प्रयास हमारे माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा किया जा रहा है और हमारे SERT का बहुत ही सहयोग रहा है इसमें। और जो हमारे बेसिक शिक्षा विभाग है उसमें एक नई क्रांति का शुभारम्भ कह सकते हैं। कार्य पुस्तिकाएँ हमारे बच्चों को बहुत कम समय में उपलब्ध हो जाएंगी और जैसे कि जब हमारे पास संसाधन उपलब्ध होंगे तो शिक्षा व्यवस्था निसंदेह बहुत अच्छी होगी। तो एक सराहनीय प्रयास है और हम सब इकजुट होकर के इस प्रयास को और आगे ले जाएंगे। कार्यक्रम हमारी संदर्शिकाओं और कार्य पुस्तिका हेतु है, इसके लिए चिंतन भी बहुत है क्योंकि ये कार्य पुस्तिकाएँ और संदर्शिकाएँ बहुत अच्छी हैं। तो अगर इसके लिए एक चिंतन और अभिप्रेरणा बनेगा तो इससे एक मोटिवेशन हम में आएगा, जिस मोटिवेशन को हम अपने लोअर लेवल पर को भी प्रेरित करेंगे। तो ये कार्यक्रम निश्चित ही बहुत अच्छा है, जिस कार्यक्रम को आगे लेते हुए सभी टीचर्स एक अपने आप के अंतर से मोटिवेशन लेंगे और आगे बढ़ेंगे कि हाँ, इन कार्य पुस्तिकाओं और संदर्शिकाओं को हमें आगे लेकर के बढ़ना ठीक है, जरूरी है आज के वक्त के लिए इस तरह का जो कार्यशाला का आयोजन किया गया। हाँ, चूँकि ये सर्वविदित है कि हमारे जो बेसिक के विद्यालय हैं, बेसिक के विद्यालय में जो हमारे बच्चे अध्ययनरत होते हैं, नौनिहाल जो अध्ययनरत होते हैं, वो ग्रामीण तबके के बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके अभिभावक पर बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं होते हैं, गरीब तबके के होते हैं। तो ऐसे बच्चों को जो हमारे शिक्षा एक विशेष चुनौती के रूप में लेते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं और निश्चित ही शिक्षकों के लिए, चूँकि वो शिक्षक ऐसे माहौल में काम करते हैं कि जहाँ पर बहुत सारी समस्याएँ क्रिएट होती हैं, तो ऐसे में शिक्षकों के लिए और अधिकारियों के लिए एक मोटी केशन की जो आज की कार्यशाला हो रही है ये बहुत ही आवश्यक है। और जो हमारे प्रदेश सरकार का, हमारे भारत सरकार का जो सपना है कि निपुण भारत बनाने के लिए उसकी जो शुरुआत होती है विद्यालय से ही होगी। सबसे पहले निपुण बच्चा बनेगा, फिर निपुण विद्यालय बनेंगे, निपुण ब्लॉक बनेंगे, निपुण जिले बनेंगे, निपुण मंडल बनेंगे और फिर निपुण प्रदेश बनेंगे। इसी सपने को साकार करने के लिए आज की जो कार्यशाला है जिसमें डाइट के सभी प्राचार्यगण, हमारे विभाग के उच्च अधिकारीगण और हमारे जो BSA महोदय डाइट के प्रवक्तागण और अन्य सभी शिक्षक जो यहाँ पर आए हुए हैं लाभान्वित होंगे। प्रवक्ता डायट सिद्धार्थ नगर से, इस समय जो कार्यशाला का आयोजन किया गया है ये पॉजिटिव थिंकिंग पे कार्यशाला का आयोजन किया गया है जिसमें हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में गौरव कृष्ण बंसल जी हैं। ये एक सीक्वेंस के रूप में चलाया गया है, इसके पहले एक इनोवेटिव कार्यशाला चलाई गई थी जिसमें कथन दुष्यंत शुक्ला जी आए थे, IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर। उसका उद्देश्य था कि हम इनोवेटिव बैंक बनाएंगे, इनोवेटिव आइडियाज़ को एक बैंक के रूप में संकलित करेंगे और संकलित करने के बाद हम उसको प्रदेश स्तर पर लागू करेंगे, जिससे भी कोई भी अध्यापक अगर वो चाहता है कि हम मोटिवेट कर पाएँ अपने बच्चों को, अपने विद्यालय को, अपने स्टाफ को, तो वहाँ से आइडियाज़ ले सकता है। उसी के क्रम में आज पॉजिटिव थिंकिंग की कार्यशाला लगाई गई है जिससे कि टीचर्स और वहाँ के हेड टीचर्स और लोगों को मोटिवेट किया जा सके प्रत्येक ज़िले में, चूँकि यहाँ जिले के लीड इंस्टीट्यूट, जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य और प्रवक्तागण यहाँ पे सम्मिलित हो रहे हैं। तो यहाँ से आइडियाज़ ले जाएंगे, वहाँ पर हम सर्कुलेट करेंगे और उसके बीच में हम लोगों को मोटिवेट कर पाएंगे। उसका मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने जो प्रदेश को निपुण बनाना है, DG सर का जो सपना है कि हम उसको समय से पूर्व हम अपने प्रदेश को निपुण बना लें, तो उसके लिए ये सकारात्मक सोच जरूरी है। उसी सकारात्मक सोच की पहल की गई है, हमें लगता है कि ये आगे भी चलेगी और अध्यापकों तक ये पहुँचेगी। राजवंत सिंह, प्रवक्ता डायट सैदपुर गाजीपुर। यह जो कार्यशाला आज की आयोजन की जा रही है यह सकारात्मक सोच के लिए, निश्चित रूप से अगर हम कोई कार्य सकारात्मक सोच के साथ करते हैं तो उसके बेहतर परिणाम होते हैं। हम जो निपुण भारत मिशन केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया एक अभियान है जिसमें 2026 तक हमें ग्रेट कैंपेटेंसी के लिए काफ़ी कार्य करना है, इसके लिए उत्तर प्रदेश
सरकार में महानिदेशक महोदय के नेतृत्व में हम डायट के संकाय और समस्त संकाय इसके लिए कटिबद्ध हैं कि हम मिनिमम जो लर्निंग आउटकम है कक्षाओं के उसके लिए बच्चों को निपुण बनाने के लिए निश्चित रूप से पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। उसके लिए इनका महानिदेशक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। गणित प्रवक्ता अलीगढ़ से। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा एक विजन है कि 21वीं सदी भारत की होगी। इस परिप्रेक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वो है शिक्षा। उसी से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हमारे देश में चलाए जा रहे हैं, जिसमें कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत हमारे उत्तर प्रदेश में निपुण उत्तर प्रदेश बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके परिप्रेक्ष्य में आज अभिप्रेरणा एवं सकारात्मक चिंतन कार्यशाला हो रही है। जैसे महोदय और अधिकारीगण डायटों से प्रवक्ता है और अन्य संस्थाओं के प्रवक्तागण आए हुए हैं। इसी बहुत लाभ मिलेगा और एक नई क्रांति शिक्षा जगत में आएगी। धन्यवाद। देशपद न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।